नमस्कार दोस्तों, सीखो सिखाओ चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं तुलसी महतो और आज जो मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सीखो सिखाओ का एक नया लोगो, तो ये मैंने लोगो नहीं बनाया हुआ है। एक्चुअली यहां पे देखिए, ये जो बेसिक शेप्स है ना, ये जो बेसिक टूल है, इसी के बारे में मेरा आज का टूल है। और इस पे जितने भी मैंने यूज किए हुए हैं ना, वो बेसिक शेप्स के टूल्स से रिलेटेड ही यूज किए हुए हैं। ओके, तो अगर आपको जानना है कि ये जो बेसिक टूल है, ये इसे जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी तक से आपने मेरा जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फायदा यही कि जब कभी मैं YouTube पे नए वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे WhatsApp की नोटिफिकेशन आती है ना, उसी तरह आपके पास YouTube की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे। तो सबसे पहले ये देखिए, बेसिक टूल पे हम लोग सिलेक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका पॉलीगन टूल सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्लिक हो जाइएगा, कुछ देर वेट कीजिएगा और ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पे देखिए बेसिक टूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज शो नहीं होगा, सब हाइड होंगे। तो यहाँ पे ये चीज, ये दोनों चीज आपके पास शो होंगे। तो पहला यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है, परफेक्ट शेप, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, चलिए इसी को बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। देखिए मैं आपको इन टूल के बारे में बता रहा हूं। चलिए यहाँ पे क्लिक हो जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए पहला जो है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नोड आ जाती है रेड सी, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक नोड आ जाती है रेड सी, ठीक है। इसे मैंने क्या किया ना, इसे तो सबसे पहले कॉपी कर ली, कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी, इसी पे कॉपी हो गई है। उसके बाद मैंने इसे पकड़ के क्या किया, इस तरह से ड्रैग कर दिया, ओके। फिर मैंने यहां पे क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट किया, यहां पे क्लिक करके रोटेशन का ऑप्शन लाके कंट्रोल को दबाने के साथ मैं इसे इस तरह से रोटेट कर दिया, थोड़ा सा ये गुड है, ठीक है, इसी तरह से आ गई है। अब पहले इस पे आ जाइए और ये जो कलर है इसे आप इस पे जो मैंने कलर लिया हुआ था उसे मायने रखता है, आप कोई भी कलर आपकी जो पसंद हो आप ले लीजिए। फिर यहाँ पे इस पे जो है मैंने व्हाइट लिया हुआ है, तो आप व्हाइट ले लीजिए, आप चाहे तो रेड भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैंने व्हाइट लिया हुआ था। आप दोनों को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी आउटलाइन यहाँ से गैप कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी आपको व्हाइट नजर आएगी, इस पे आ जाइए फिर से और यहाँ से आप इसे क्या कर दीजिए ना, वन कर दीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, गायब हो जाएगी। चलिए ये तो हो गया। समय बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो सीखो सिखाओ लिखा हुआ है ना, इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ। चलिए इसे उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये अंदर चली जाएगी। इसे आपको सबसे पहले शिफ्ट के साथ पेज अप बटन, ठीक है, और इसे यहाँ पे सेट करते हैं, हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो पानी के बूंद है ना, ठीक है, चलिए वो कहां से लाते हैं, फिर से आपको उसी पे जाना है, सेप बेसिक सेप टूल पे, और यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने इसे पानी के बूंद बनाया हुआ है इस तरह से, और मैंने कलर यही साइज दिया हुआ था, मुझे याद नहीं है, जो भी है कलर आप देख लीजिएगा आपको जो पसंद हो, और इस तरह से मैंने सेट किया हुआ था, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस पे भी मैंने वही चीज किया हुआ था, ओके। अब देखिए फिर से मैं सेप टूल ले रहा हूं और फिर से वहीं पे जा रहा हूं और यहां पे अब की बार हार्ट ले लेता हूं। देखिए शिफ्ट और कंट्रोल को दबाने के साथ ये देखिए चारों तरफ से जो है ना हार्ट बड़ी होगी। मैं सिर्फ कंट्रोल का दबा दूं ना, तो जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है हार्ट वहीं से बड़ी होती है, ये देखिए। जैसे मान के चलिए मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये देखिए वहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। खैर चलिए, एक हार्ट तो मिल गया, इसे छोटा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और कोई भी कलर से
मैं रेड से ही फिल कर रहा हूँ, इसके आउटलाइन यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पिक टू ले लेते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए आपको जिस तरह से सेट करना हो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे ले आइए, देखिए आपको कॉपी करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ड्रैग कीजिए, अभी आपको छोड़ा नहीं है, यहाँ पे लाने के बाद अभी छोड़ा नहीं है, और राइट क्लिक जो होती है ना उसे दबा दीजिए, ठीक है, और कंट्रोल प्लस आर, 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 ये देखिए सेट हो गई है। सारे को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ये सारा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस जी यानी कि ग्रुप हो गई है। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी मैंने छोड़ा नहीं हूँ, यहाँ पे जैसे आ गया ना, यहाँ पे राइट क्लिक, ये देखिए हट जाती है। अब देखिए ये सारा चीज भी आ गया, तो सबको तो हमें आवश्यकता नहीं है, सारे को हटा देते हैं अभी। तो अब चाहे तो रहने भी दे सकते हैं, कंट्रोल प्लस यू मैंने किया यानी कि अनग्रुप किया, सिलेक्ट किया, डिलीट, फिर सिलेक्ट किया, डिलीट। तो ये देखिए, और इस पर मैंने जो है एक लाइन भी इस पर डाली हुई थी, इस पर लाइन नहीं डाला हुआ है, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पे लाना है और ये जो फ्री हैंड टूल है इसे सेलेक्ट कर लेना है आपको, जिसका शॉर्टकट है F5, और यहाँ पे क्लिक कर देना है, और सीधे में यहाँ पे आ गया था, और इसकी आउटलाइन जो है मैंने 2 कर दी थी, और जो भी कलर हो आप ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इस पर जो है मैंने सेट किया हुआ था, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके देख लीजिएगा। मैं समय, ये देखिए यहाँ पे एक भूत सा है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, इसे आप रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, ठीक है, या फिर चुप करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये देखिए, एक सेकेंड, चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, ठीक है। फिर इसे पकड़ के आप इसे बड़ा छोटा जो भी हो आप इस तरह से कर सकते हैं, फिर ये देखिए, ठीक है। बाकी सब ये चीज मैंने पिछले वीडियो पे बताए हुए हैं, ठीक है। ये तो साइज है, और ये जो एक्स वाई है यहाँ पे कहाँ पे एडजस्ट करना है वो चीज़ है। ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाई हुई है ना, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, ये भी मैंने बताई हुई है, ठीक है। ये रोटेशन भी मैंने बताया हुआ है, 45 कर दें तो ये रोटेट हो जाएगी। यहाँ से पिक लेता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस जी कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है मिरर का है, ये देखिए, ये अपसाइड, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ वाली इस साइड लेफ्ट और टू राइट मिरर होती है, और यहाँ से डाउन टू अप, ये देखिए, ओके। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुई है आउटलाइन विड्थ के लिए, यहाँ से इसकी आउटलाइन देखिए आप बढ़ा सकते हैं, ओके। तो वो आपकी मर्जी है, और ये जो है टेक्स्ट के लिए है, मैं आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, ओके। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और सॉरी मैंने ये जो शेडो बनाई हुई थी ये आप लोग को नहीं बताई। तो चलिए क्या करना है उसके लिए, इसी की कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और साइड पे ले आते हैं, इसे ब्लैक से फिल कर देता हूँ। ब्लैक से फिल होने के बाद आपको जितना छोटा चाहिए उसी तरह से छोटा कर लीजिएगा, यहाँ पे ले आइए, इसे अंदर ले जाइए, शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन, चली गई अंदर। अब आपको बिट मैप्स पे आना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। फिर आपको बिट मैप पे आना है, यहाँ पे ब्लर ले है, और यहाँ पे देखिए गोजियन ब्लर है, ठीक है। बस आप देख लीजिएगा कितना आपको ब्लर चाहिए, एडजस्ट कर लीजिएगा और ओके कर दीजिए, ठीक है। उसी के हिसाब से आप इसे जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, नन कर देता हूँ, ये देखिए, ओके। ये जिसमें देखिए मैंने डबल कलर यूज़ किया था, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। दो कलर मैंने इस पर यूज़ किया था, मैंने इस पर जो है एक ही कलर यूज़ किया हूँ, क्योंकि मैंने वो टूल आप लोगों को बताया नहीं है, जिसके कारण मैंने एक ही कलर इस पर यूज़ किया, ओके। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।
थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।